अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मंदली फ़िश कड़ी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन, एक चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा कोथमीर और एक टुकड़ा गीले खोपरे का लिया है और इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप एक टोप लेना है, टोप में 2 चम्मच भर के तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और 5 से 6 कड़ी पत्ता। जब ये थोड़ा तड़कने लग जाए, जो हमने मसाला पीसा था ना, वो मसाला इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के इसे खंगाल के भी डाल दीजिए और इसे भूनना है अच्छे से। अब थोड़े स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें 1 चम्मच है लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। सब स्पाइसेस ऐड करना है, मिक्स करके इसे और 5 मिनट भूनना है। ये मच्छी के सालन में ज़्यादा भूनने, गोश्त के सालन के जैसे इसे नहीं भूनना है, सिर्फ 10 मिनट ही इसे भूनने में लगेगा। जब ऊपर अच्छे से तरी आ जाए, मतलब मसाला भून गया है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं टमाटर और प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है प्याज और लहसुन का मसाला, सूखा मसाला आता है, देखिए ये वाला मसाला मैंने यूज़ किया है। अगर ये है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो बिना इसके भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाता। मसाला भुन रहा है, चलिए फिश फ्राई की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 चम्मच लहसुन, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 नींबू, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ 2-3 कोकम को मैंने भिगो के रख दिया था। अब कोकम को अच्छे से निचोड़ के मैश करके जो पानी है ना, वो इसमें ऐड कर दीजिए। अगर कोकम नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब जो फिश है ये मंदली, मैंने अच्छे से साफ़ सुथरी करके इसे वॉश कर लिया था अच्छे से और नींबू से भी धो लिया था। अभी मच्छी को अच्छे से मसाला लगा के कम से कम 1/2 घंटा रेस्ट देना है। चलिए मसाले की तरफ देखते हैं। मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है, ऊपर तरी आ गई है। तरी आने की निशानी यह है कि मसाला भुन चुका है। अब इसमें भी मैंने 2-4 कोकम को पानी में भिगो के रख दिया था। ये पानी के साथ कोकम ऐड कर दीजिए और जो फिश मैंने अच्छे से धो कर रखी थी वो मैंने फिश इसमें डाल दी है। अच्छे से मिक्स करना है और 1 गिलास पानी ऐड करना है इसमें। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से करिए, आपको कितना पसंद है पतला खाना या गाढ़ा। वैसे ये मंदली का सालन पतला ही बनता है, चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये सालन। थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर दीजिए और 1 उबाल आने तक वेट कीजिए। जैसे इसमें उबाल आ जाए, उबाल आने के 2 से 3 मिनट तक ही उबालना है और गैस बंद कर देना है, नहीं तो मच्छी पूरी टूट जाएगी। देखिए मच्छी का सालन तैयार। फ्रेंड्स, ये सालन पतला ही बनता है, ये चावल के साथ या तो चावल की रोटी के साथ खाया जाता है। ज़रूर से ट्राई कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और कौन सी रेसिपी और आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलिए मच्छी को भी फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने लिया है चावल का आटा। मच्छी को चावल के आटे में अच्छे से दबा कर अच्छे से कवर करना है और शैलो फ्राई करना है। बिना चावल के आटे के भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट शैलो पान तेल लेना है, तेल में शैलो फ्राई करना है, डार्क गोल्डन कलर का करना है और सारी फिश को पलटना है 1 बाय 1। ये फिश आप दाल चावल के साथ या तो फिर मंदली सालन के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो दाल चावल के साथ पापड़ अचार और ये मच्छी बहुत ही मज़ा आता है खाने में। फ्रेंड, ज़रूर से ट्राई कीजिए, बना के खाइए, घर वालों को भी खिलाइए और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।